अच्छा साथियों, मैं ओम प्रकाश दीवाना अपनी बिरहा टीम और दीवाना म्यूजिक परिवार की तरफ से अपने सभी देवता स्वरूपी श्रोताओं को दिल की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूं। अपनी पहली भोजपुरी फिल्म मिलनवा और एल्बम के बीच व्यस्तता के कारण आप लोगों के बेहद मांग पर बहुत दिनों के बाद आप लोगों को बिरहा सुना पा रहा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इस हादसा के बारे में कुछ भी कहने से पहले मरे हुए श्रद्धालुओं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायल लोगों को जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लापता लोगों को परिजन से मिलने की आशा लिए हुए प्रार्थना करते हैं कि घटना से दुखित परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। भारत के लोगों की मानसिकता को देखते हुए कभी चार लाइन भूमिका के भाव में भारत के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। कैसे जीतन भाई, सच कहोगे तो आहत होगी आस्था, सच लिखोगे तो नास्तिक कहेगा जमाना, ढोंग पाखंड हावी है विज्ञान पर, अंध विश्वास में लाखों मिलता बहाना, तुम नास्तिक बनो तुम नास्तिक बनो नो वास्तविक करते अनुनय दीवाना। बिरहा में बिरहा शुरू करे से पहले बिल्कुल नई नई गजल से बिरहा का आगाज बा। कैसे जीतन, संगमरमर सी तराशी हुई बदन लेकर के कोई खूबसूरत हसीना रोड पे निकली है, उसकी खूबसूरती को देख करके एक आशिक सवाल करता है। क्या सवाल करता है धर्मेंद्र भाई? कांच का बदन लेकर, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, का बदन लेकर मत चला करो घर से।
से बहुत अच्छा बिरहवा में कवि जी भाव लिखलन ए दुनिया के मालिक जिसको भारत के लोग त्रिलोकी नाथ कहते हैं नाथों के नाथ कहते हैं उनसे सवाल है कवि का क्या सवाल है भक्तों को बुला करके अजी भक्तों को बुला करके मौत क्यों बुलाते हो बहुत अच्छे आगे बढ़ गई नजम में भाव है कैसे नाथों के नाथ नाथों के नाथ नाथों के नाथ भोले नाथ जी भोले दानी कालों के काल महाकाल बाबा बर्फानी नाम अनेक लेकिन काम कुछ नहीं दिखा क्यों नहीं दिखा तो ए लाइन क्लियर करेगी इतने नामों में ना एक नाम काम किया इतने नामों में ना एक नाम काम किया जीवन के बदले में क्यों मौत को इनाम दिया अब बतावल चाहतानी कि ये अमरनाथ हादसा में आखिर ई बिरहा केकर बा केकर कहानी बा राजझारखंड में धनबाद शहर नामी है राजझारखंड में धनबाद शहर नामी है रामू पे छाई गरीब की सुनामी है जीवन के साथी माया यादव का जब साथ मिला जीवन के साथी माया यादव का जब साथ मिला माया के गोद में रामू का अजय फूल खिला ईंट भाटा पे काम करके घर चलाते थे कारोबार क्या है ईंट भाटा पे काम करके घर चलाते थे मेहनत मजदूरी से अजय को पढ़ाते थे बाजो बहुत अच्छा अरे बाबू तनी बिरहा का कहानी समझ ली कहानी केकर बा कहां के बा एक गरीब परिवार का कहानी जौना परिवार का मुखिया का नाम रामू यादव धर्म पत्नी का नाम माया देवी रामू यादव और माया देवी के बीच में एक ही औलाद बा जौना बेटवा का नाम बा अजय यादव परिवार का गाड़ी कैसे चलत बा परिवार का जीविकोपार्जन कैसे होता रामू यादव और रामू का धर्म पत्नी माया देवी सुबेरे ईंट भाटा पर
ईट पथाई का काम करे और शाम को दोनों पति पत्नी मिलके ईट ढोए। काहे बदे कि हमार बचवा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। आखिरकार अजय यादव पढ़ता कौनी तरह से पढ़ता, एक लाइन तरल लगता जीतन। कौनो मेहरारू अपना सहेली से अपना सैया का बखान करे, कहत में उड़े ला फर फर बहे पुरवैया हो, आ चश्मा पहिन जम ले ले अंगड़ैया हो, दिलावा में बोली दागे है राजा जी के ही पिया ही रहुओ से है दी लागे है राजा जी के बात अच्छा ए बाबू भाठा का जब माया देवी का करे। भाटा के सीजन बीते करे मजा दूरिया हो, अजालिम गरीबिया में बापावा मतरिया हो, नवा में सपना जागल बा, मनवा में सपना जागल बा, बाबुआ के मानवा पढ़ैया में जम के लागल बा, बाबुआ के बाहरे गरीबी जवन न करा दे। जब ईट भाटा का टाइम खत्म हो जात दिहाड़ी पर मजदूरी कर दोनों पति पत्नी अपना बचवा के पढ़ावे बदे। अजय खातिर कवि जी लाइन लिखत हूं, जब इंटर अजय पास कैले बा इंजीनियर बने के जिद धैले बा, पापा कहेले समझाई अरे झेली गरीबी ना महंगाई, ए बेटा बड़ी महंगा पढ़ाई अरे इंजीनियर करावल हमन गरीबन के बस के बात कहाँ बा, ई कुल बड़ बड़ लोग पढ़ावेलन ईटा भाटा पर कमा के दिहाड़ी मजदूरी कह के ए लाल इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा ना करा पाई। माँ के पास जाता है माई एगो बात कही, इंजीनियर ना बनब अगर तो खा लेब जहरिया ए माई, लेकिन ए बेटा तोरा के पढ़ाई रे आए है जब माई इतनी बतिया कहलस तब जीतिया में अपन
ना पागल बा, जिदिया में अपना पागल बा, बबुआ के महनामा पढ़ैया में जम के लागल बा, बबुआ के आए बाबू आखिरकार बचवा का जीत कयांगे। माई बाबू के झुके के पड़ गई, बेटवा के पढ़ावे चालू कर दलन, इंजीनियर बनावे का सपना सजावे लगलन। आखिरकार नतीजा का निकलल, जीतन भाई हमरे कैसेट का गीत लगता। इस सम्राट मुकेश बो का दर्द बा, दर्द कबर का भया विशाल बो से कहत हैं कि अम्मा तक खैले, अरे कोइलिया खींच मरले दगिया लगी रे गैली ना, अरे अम्मा तो खोइले मरल है दगिया लगी रे बैलीना, कि दगिया लगी रे बैलीना, तो हमारी पूरी रे चुनरिया दगिया लगी रे बैलीना। पैसा का उपयोग कौनी तरह करत हो कभी जी बतावत हो, विद्या के मंदिर में ए भारत में दू गो मंदिर बा, एगो मंदिर में पढ़वा तो अंधभक्त होइब आ एगो मंदिर में पढ़वा तो अंधभक्ति का विरोध करब। ओह मंदिर में पढ़ा था जौना मंदिर में पढ़े वाला अंधभक्ति का विरोध करेलन। कौनी मंदिर में? विद्या के मंदिर में पढ़ के पूजा कैले नौकरी पाइरे गैले ना, अरे विद्या के मंदिर में पढ़ के पूजा कैले नौकरी पाइरे गैले ना, कि नौकरी पाइरे गैले ना, दया जय यादव जेई भैले नौकरी पाइरे गैले ना। आए है आए बाबू, जब एगो गरीब का बेटवा इंजीनियर बनल हो, आए है ओ परिवार का खुशी बतावत है कैसे जीतन। उजरत से मिलल बाबू माई के आजादी, आय हाय अगुआ दौड़े लगल। अरे यादव जी का बेटवा इंजीनियर बन गई, गरीब है वो कोई ना पूछी, जे वही नौकरी वोकरी लग जाए तो 72 गो अगुआ खांचे लगी हन। तब मोना यादव से भैलिया के शादी,
बिटिया से शादी कर लिया वही इंजीनियर अजय यादव। आज जब शादी भयल तो प्रेमवा के बगिया में फूलावा फूलई ले नौकरी पहिरे गईले ना लेना कि नौकरी पहिरे गईले ना दया जाए यादव जई भइले नौकरी पहिरे गईले ना अरे बाबू आखिरकार अजय का धर्म पत्नी मोना यादव से एक बेटवा जन्म ले लेबा। वह बेटवा का नाम अजय और मोना मिलके प्यार से पवन रख ले बाड़न। जब पवन 5 साल का हुआ है आय हाय 5वां जन्मदिन मनावे का तैयारी चलत बा। हित मित संगी साथी सब आयल बाड़े तैयारियां मनत बा कौनी तरह से जन्मदिन मनावे लोग। ए जब बड़ी पुरान गीत लगत है जीतन गीतिया बाकी झूलनिया के गुजावा अरे टूटल ये राजा है जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा लेकिन ते बाबू आखिरकार कौनी तरह से जन्मदिन मना था कवि जी लिखत हुआ कि अरे जन्म दिवस के होला खर्चा दुआरे अरे गवाला जम के शिव चर्चा दुआरे ए भैया हमारा बहुजन समाज में बहुजन समाज अर्थात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग पढ़ी हाँ लिखी हाँ और पढ़ला लिखला के बाद अगर कौनो खुशी हुई तो 2 पैसा बचौले के जगह सीधे शिव चर्चा में लगा दी हन। पार्टी होता जश्न होता पूरा परिवार शिव जी के भक्ति में रमल बा। हित मित सब शिव चर्चा में झूमता बाहरे शिव जी के बड़ी बड़ी यार महिमा वो परिवार पर भइल बा। का भयल अधीरतिया के भइल पावन बीमार हो अरे दादा दादी बाबू माई भइले लाचार हो सवाल बाकी लोग भक्ति काहे करेला बचवा के बीमार होके खातिर अपने बीमार होके खातिर। आधी रात को अचानक पवन की तबीयत खराब हो गई आय है केहू तो रतिया गुजरल। रतिया गुजरला के बाद कवि जी एक लाइन तनिका ये समाज बदे गहरा चोट लिखत हुन कि अरे तवो दारू डॉक्टर अरे तवो दारू डॉक्टर
वाला जम के शिव चर्चा दुआरे हम बताइला हमारा बहुजन समाज में बहुत भारी विडंबना बा। लोग बीटेक करी हैं, एमटेक करी हैं, एमबीबीएस बनी हैं, मास्टर बनी हैं, लेकिन डॉक्टर पे कम भरोसा बा, देवी देवता पे ज्यादा भरोसा बा, डॉक्टर पे कम भरोसा बा, ओझा सोखा पे ज्यादा भरोसा बा। आय हाय डॉक्टर के दिखावन, ओझा सोखा के दिखावन, नतीजा कहां निकलल? ओझा सोखा और डॉक्टर के बीच में दिखौला से कौनी मोड़ पर पवन का जिंदगी पहुंच गई विदेशिया में भाव। ओझा सोखा दावा दुआ डॉक्टर से हारी गई ले दिनों दिनों बचा बढ़े ले बे मारिया बीमारी बढ़ने लगी। अचानक जिस डॉक्टर के पास अजय यादव अपने बेटे को दिखा रहे थे दवा असर की, जब दवा असर कैलस एकाध सप्ताह का वो बेटवा पवन के आराम मिलल बा। जब पवन के आराम मिलल कविजली खत्म बाबू माई मोना के सहारे छोड़ी पावन के छुट्टी खत्म भाई करे चला ले नो करिया सरकारी सर्विस है। एक एम्प्लाई आदमी कितना दिन तक घर पे रुक सकता है, कितना दिन तक छुट्टी बढ़वावे? छुट्टी खत्म भयल बाबू माई और अपनी दुल्हन के ऊपर छोड़ के बचवा के जब चलन है। कुछ दिन बाद एक और घटना घटल ओ परिवार में। कौन घटना? कुछ दिन बाद बिगड़ल वही पवन के हलतिया ओझा पास लेके गईले मुँह रखिया नारिया। अचानक हालत खराब होती है पवन बिटवा का। माई मोना यादव कहली कि डॉक्टर साहब के पास लेके चलल जाओ। रामू यादव और माया बोली कि नहीं सोखा बाबा के पास लेके चलल जाओ। सोखा बाबा भगवान भोलेनाथ का भक्त हवन, उनकर कृपा से हमार बचवा ठीक बा। क्या करे मोना की बात को लोग सुन नहीं पाए। जबरी मोना को लेकर के उस बच्चे को लेकर के जब सोखा बाबा के पास पहुंचलन तब का भैया झाड़ फूक करत करत बंद भैली बोलिया ता समय गवा के लेके चलले डाकटरिया ओझा झार फूंक करते हुए दारू चढ़ाते हुए दम मारते हुए समय निकाल दिया। बचावा पवन का आंखिया बंद होके लगल। जब पवन की आंखें बंद हो गई ओझा बोला ले जाइए मैंने भूत उतार दिया, अब इस बच्चे को इलाज की जरूरत है। वहां से घबराई लेके जब दादा दादी और माई डॉक्टर के पास पहुंचे, जो ही डॉक्टर के चेंबर में अपने बच्चे को लेकर के पहुंचते हैं डॉक्टर साहब देखलन। डॉक्टर साहब का बतावत में
आवे में देरी भइल, डॉक्टर साहब बोले लगल एक घंटा पहले टूटल जीवन के डोरिया। आय हाय, शाम का पहर डॉक्टर साहब बोले सॉरी, आपका बेटा एक घंटा पहले मर चुका है, आप लोग आने में लेट किए, क्या कहा जाए। मैंने बताया खास तौर से हमारे बहुजन समाज के लोग पढ़ने लिखने के बाद भी इलाज को पीछे और झाड़ फूक को आगे रखते हैं। आनन फानन में लेकर के घर आए, मोना खदिलवा नहीं मानल, हमार बचवा मर नहीं सकेला, नहीं बोल रहा है, नहीं बात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। पति के पास फोन लगाती है, अजय ड्यूटी से अभी हाल ही में अपने रूम पे आया था, फोन था, हेलो, इधर से मोना रो रही है। अरे क्यों रो रही हो, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? कलश, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बताओ तो सही, क्या चिल्लाया जा रही हो गला फाड़ के? कलश सुना ना, तुहार बतिया बचवा बांडेला, बचवा से कुछ कह देना फोनवा पर, कह पहले बता दो, आखिर पवन नाराज है तुमसे, पवन तुमसे बात नहीं कर रहा है। कलश सुनना ना, बता रही है रो करके, कहा बतावे, कहे आई के खियावा दवाई और खानावा दवाई और खानावा ताके तनो बोलाई नहीं, के तनो बोलाई नहीं, बोले ला पावन वाले पिया, जय कहलस मोना। अरे वो अपना दादी के बड़ी माने लरे, दादी से मनवा ले, एकदम नाराजल बात है, बाबूजी से कह दे, बाबूजी बना दिया। कहलस तो समझत ना ना हुआ, कहे समझेबी तब ना, समझावत ही मोना फोनवा पर अपना पति इंजीनियर अजय यादव के, कहे दादा मनावले हो, दादी मनावली, राजा ना घोर नींद में सुतल बारे। कलश सुनो ना ओ साहब, ए राजा जी सुना ना, कहा जय बोल, कहे दादा मनावले हो, हाँ जगवली।
जय बोला करे पगली, एकदम बात ना करो करे कहती सुनी ना भाई नाराज नाही खोले लाना या नावा यारे खोले लाना या नावा तो केतनो बोलाई नाही केतनो बोलाई नाही अरे बोले ना पावन वाले पिया आए बाबू। आखिरकार वह मोना बोली सैया हम हमार बचवा कहियो बात ना करी तू जल्दी छुट्टी ले लो बियाने आ जा अजय का दहिया में चिरले खून ना बा औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। इस हालत को देखते हुए कमीजी टेरी में भाव लिखत हो शत्रुघ्न भाई बड़े भैया धनंजय सिंह जी के देखरेख में और आपके देखरेख में मैंने दर्जनों विरह रिकॉर्ड किया और आप लोगों ने हर रिकॉर्ड किए हुए विरह को हिट कराया। खास तौर से भारत में कुछ पढ़े लिखे मूर्ख बसते हैं, उन पढ़े लिखे मूर्खों की मूर्खता को क्या कहा जाए। टेरी का शैली में कभी का भाव है अरे भोला की भक्ति काल बन गई ए भैया भोला की भक्ति काल बन गई लाल को लूट लिए सब झोला छाप दलाल हम कहिला जन्म करता मानो कर्म करता मानो जन्म करता मानो कर्म करता मानो मानो को छल कर धर्म करता मानो मानो में मानो की शक्ति विराजे मानो में मानो की शक्ति विराजे सर्व शक्ति लेकर भरम करता मानो तो खाता है मानो खिलाता है मानो पढ़ता है मानो पढ़ाता है मानो और मानो से पाकर के बेवकूफ मानो चढ़ावा पत्थर को चढ़ाता है मानो सब कुछ मानो से होता है और मानो से पा करके वह मानो खास तौर से हमारे भारत के पढ़े लिखे मूर्ख अगर एक बार अनपढ़ मूर्ख बन जाए तो बात बनती है मुकेश भैया। लेकिन पढ़ा लिखा समाज जब मूर्ख बनता है मूर्खता पे उतरता है तो ये बात दीवाना के दिमाग से परे हो जाती है। बुर्बक टाइप का मर्द जाके दरोगा से अपन शिकायत लिखावत है कैसे कहे लिखी ना रिपोर्ट राउर पारी ले पलरिया है रहाइल लेकिन कुछ है दिनवा बदवा का भयल अजय के प्रीति के लागल बटोना की भाईल हो प्रीति माने खुशी अजय के खुशी के टोना लागल कौनी तरह से आज के प्रीति के लागल बटोना की भाईल हो कि भाईल हो बाबू के कोरोना आखिरकार 2021 में कोरोना के शिकार हो
जब 2021 में कोरोना के शिकार हो गए, हालात कैसन होता, ऑक्सीजन के कमी भइल, फूले लागल सांसिया, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते नजर आए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, सांस फूलता, इंजीनियर साहब घबराइल हवन, बाबू बची हैं तो कैसे बची हैं। लेकिन हम अपने भारत के लोगों को बताना चाहूंगा, आप अपनी जिंदगी वैज्ञानिक तरीके से जीना प्रारंभ करिए, ढोंग ढकोसला से दूर हो जाइए, आखिर डॉक्टर की दवा काम आ गई। कैसे आए भैया बच गए, डॉक्टरों ने बचा लिया बाबू रामू यादव को। जब रामू यादव बच गए, हंसी आ रही है। मैं पुनः एक बात रिपीट करूंगा कि जब हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जब पाखंड पे उतरते हैं, तो ओम प्रकाश दीवाना विवश हो जाता है यह बात कहने के लिए कि भारत पढ़े लिखे मूर्खों का देश है। भारत ऐसा देश है जहां पढ़े लिखे लोग मूर्खई करते हैं। आखिरकार इंजीनियर साहब बाबू के ठीक भइला के बाद एगो और बात बतावत है शत्रुघ्न भाई, हम ठीक डॉक्टर से होते हैं, डॉक्टर को धन्यवाद नहीं देंगे, बल्कि पीठ पीछे जाएंगे तो कहेंगे सारे ठीक तो कैलो सो लेकिन बड़ा पैसा ले लो सो। और ठीक होने के बाद हम जाते हैं कहां, किनका धन्यवाद देते हैं, ओह भगवान की मर्जी से ठीक हो गए, दवा डॉक्टर का काम कैलस, मर्जी भगवान का चल गई। किस कदर समझाएं भारत के लोगों को। आखिरकार इंजीनियर अजय यादव कैलन का मास्टर बिरहा का हमरा आखिरी तरज लग गई। अरे बाकी छोड़ी कटारिया भला के दुआरिया, लेके बाबा पूरा परिवार आवल जाई करे दर्शनवा, आए बाबा। अगर 2021 नीके नीके बीत गई तो 22 में तोहार दर्शन अमरनाथ में कई गई, बीतल इक्कीस धीरे धीरे 22 में जुलाई आइल बा, झूमे खुशी में रामू माया आज खुशी मनावा तरंत
यात्रा को, लेकिन एक परिवार तैयार ना बा, के ना तैयार बा, मोना बहुरी परिवार तैयार है। मोना बोली मैं नहीं जाऊंगी, पैदल चलना होगा, गाड़ी बस में जाना होगा, एक माह के पेट से हूं, मुझे परेशानी होगी, आप लोग जाइए यात्रा करके आइए, मैं घर पे आराम से रह लूंगी। आखिरकार मोना घर पे रहती है, बाकी माई बाबू के लेके इंजीनियर अजय यादव जब चले हैं, जब अजय यादव चलन ए पंचो 8 जुलाई के सवेरे फोन लगैलन, कलन बात कैले थे, शाम तक हम पहुंच जाब अमरनाथ। एकरा बाद पहाड़ी में पता नहीं टावर रही कि ना रही, बात होई कि ना होई, बात करके पत्नी से फोन रखते हैं। पत्नी कहती अच्छा से जाइएगा, अच्छा से आइएगा, मैं इंतजार कर रही हूं। वह परिवार आखिरकार शाम होते होते अमरनाथ पहुंच गया। बाबा बर्फानी के मेन गुफा के सामने जो टेंट सिटी लगा था, बताया गया मीडिया के द्वारा, प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा, सुबह से झमाझम बारिश हो रही थी, शाम का पहर था। जो दर्शन कर लिए थे वह भी उस टेंट सिटी में रुके थे, और जिनको सुबह दर्शन करना था वह भी टेंट सिटी में रुके थे। अच्छा, जब टेंट सिटी में लोग रुकल होवन, ओ घड़ी का नजारा का है, वो अमरनाथ गुफा का ठीक सामने दोहा लगल मास्टर, भाई शाम तब टेंट सिटी में गूंज हर हर शिव के महिमा, केहू लगावे दम, कोई शिव का गुणगान करत है, कोई दम मार के बम बा। बताया गया लंगर वाले लंगर की तैयारी कर रहे थे, टेंट सिटी में श्रद्धालु मगन थे, उनको क्या पता था यहां क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। वो टेंटवा के अंदर जे श्रद्धालु हो, वो का गावत था, का बजावत था, का सोचत हो, कवि जी पहपट में भाव लिखलन हो, अरे दुख दली दर हर ली है परेशानी बाबा बर्फानी, अरे तो दुख दली दर हर ली है परेशानी बाबा बर्फानी, आ महाकाल कालो के काल परदानी बाबा बर्फानी। बहुत अच्छा बोलो, का भयल, अरे वर्षा कारण टेंट सिटी में रुके थे सैलानी हो, आप फाटल बादल तेज गति से, अरे तयाइल पत्थर पानी हो, अरे बहे टेंट सब बहे मरद जनानी बाबा बर्फानी, आ जान मालिक के भारी भइल
कहानी बाबा पर फानी आए हाय। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया जब एकाएक गुफा में पानी का बहाव तेज हुआ, न्यूज चैनल वालों ने बताया 25 टेंट बह गया और 3 लंगर वाले बह गए। वो टाइम जब सब कोई बहुत तेज धारा का बहाव में, दीवाना का सवाल है वो हालात के ऊपर, वो परिवेश के ऊपर। धर्मेंद्र भाई भाव बदल गए, ए बाबू धारावा के सुनी फू फू कारावा, अरे धारावा के सुनी फू फू कारावा, केहू के बचावे वाला के किनारे पे थे बचा सकते थे, लेकिन भय के मारे श्रद्धालु डूबते रहे, पकड़ नहीं पाए। जब पकड़ नहीं पाए इस मंजर को देख करके कवि को लिखना पड़ा, हवा धरावे वाला के बा, आए हाय। जो लोग ऊपर थे उस गुफा के ऊपरी सतह पे, ऊपरी भाग में थे, जो पानी के बहाव से दूर थे, उन लोगों ने बताया कौन कौन लोग बह रहे थे। केहू के बाबू बहे, केहू के माई, केहू के पूरा परिवार बेटा भाई, सवाल ओम प्रकाश दीवाना का है। विरह सुनने वाले प्रेमियों से, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं से क्या सवाल है? मौत का सब के हारावे, अरे मौत का सब के हारावे, मौत के हारावे वाला के बा, असहाय बन गई। मौत तांडव कर रही थी। ओम प्रकाश दीवाना की लेखनी आल्हा के माध्यम से सवाल कर रही है। बाबू तनी बढ़ला है करिया, ये और बढ़ा लो। हम कहिला काल महाकाल के, अरे तकाल महाकाल
न्यूज वालों ने बताया, सरकारी आंकड़ा है। अब सरकारी आंकड़ा से ज्यादा तो हम बता नहीं सकते हैं, वहां क्या हुआ ये तो भली भांति प्रत्यक्षदर्शी जान सकते हैं, चूंकि थोड़ा बहुत नहीं, 25 टेंट उजड़ा था, 25 टेंट पानी में दह गया। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16 लोग मरल भैले, अरे 40 लोग घायल भैया, अरे 60 लोग लापता छूटल पारी जन के साथ। मोना की बात याद आ रही है, इस मंजर को देख करके अजय की बीवी मोना मना कर रही थी, क्या बोल रही थी आधे टाइम, अरे मना करत रहली मोना कि 23 में चलल हो जाई, अरे माई बाबू के अजय धाई लिहले नतीजा यह निकला कि वह अजय यादव इंजीनियर बादल फटने की वजह से अचानक उस गुफा के सामने जो सैलाब आया, उस सैलाब में अपने माता पिता सहित बह गए। खड़ी कलाइन में ओम प्रकाश दीवाना का पुनः सवाल है, क्या सवाल है, सुन अरे सुखदेव जी अमार भैले। बताया जाता है भगवान शिव माता पार्वती को उसी गुफा के अंदर अमर कथा सुनाए थे, और उस अमर कथा को सुन करके सुखदेव ऋषि अमर हो गए। आए हाय, शिव जी के अमर कथा सुनने से अगर सुखदेव ऋषि अमर हो गए, फिर तो ओम प्रकाश दीवाना का सवाल और जायज हो जाता है, कैसे कि जहां वाला अमर कथा सुन अरे सुखदेव जी अमर भैले, कुछ लोग कहते हैं, अब इसमें सच्चाई कितनी है मैं नहीं जानता, अब ही ले अमर बा कबूतर के जोड़ा, दूगो कबूतर अमर कथा सुनत रहले ऊ अमर हो गई, कि अब ही ले अमर बा कबूतर के जोड़ा, आ केहू केहू के देखा जाने थोड़ा। कुछ भक्त लोग आकर के बखान करते हैं कि हम लोग दर्शन करने गए थे तो कबूतरवा को जोड़वा लौकल लल, सतयुग में भगवान कथा सुनैला तो अब तक तो वो कबूतर बहुत बड़े बड़े हो गए, क्योंकि जब मूस की सवारी गणेश जी कर सकते हैं तो फिर सवाल है उन कबूतर के दो जोड़ों से, क्या सवाल है, अरे वो हो जोड़ा ना केहू के, कम से कम अस दोनों कबूतर कबूतरी के एक आदमी के छान के बचा लेवे के चाहत रहा। एक लाइन और हमारे भारत के अंधविश्वासियों के लिए, अंध भक्तों के लिए, अब कुछ लोग बचाव में क्या कहेंगे,
अंध भक्त कहीं है कि मिल गई मुक्ति, जो वहां मर गए भारत के पाखंडी, भारत के ढोंगी, भारत के अंधभक्त कहेंगे कि उनको मुक्ति मिल गई। अच्छा, जो दर्शन करने गए थे दाता लोग, उनको मुक्ति मिल गई, तो ओम प्रकाश दीवाना का भी सवाल है, मरही के खातिर का करेला लोग भक्ति? क्या भक्ति करने वाले भगवान से मौत मांगते हैं? क्या आप भगवान के दरबार में जाते हो, कहते हो हे भगवान हमें मौत दे दीजिए, मैं मुक्ति पाने आया हूं? नहीं साथियों, भगवान के दरबार में लोग सुख समृद्धि मांगने जाते हैं, बेटवा को नौकरी मांगे जाइए, सोचिए हमार बेटवा पास हो जा, हमार गरीबी दूर हो जा, हमार दुख दूर हो जा। और हमारे देश के अंधभक्त कहेंगे कि जो मर गए अमरनाथ धाम में वो तर गए, उनको मुक्ति मिल गई। तो फिर ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है, अरे बिना कफन चिलकौवा, अरे तब पेट भर खाइले, अरे तब हवा दर्शन करे वाला काहे मर गईले। बुद्ध छत्रपति साहू फूले छोड़ो या पाखंड, बाबा साहब ललई यादव करके गए हैं खंड, भोला की भक्ति काल बन गई, सुरेंद्र दीवाना संतों